Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडोब ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग सीखेंगे वाउचर क्लास, यानी वाउचर क्लास कैसे बनता है और उस पर काम कैसे किया जाता है और किस तरह से डिस्काउंट या कोई भी हम लोग ऑटोमेटिक कैसे भी लेजर को एडजस्ट करते हैं वाउचर क्लास से, ये सब हम लोग आज सीखेंगे वाउचर क्लास में। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, पीडीएफ फाइल देखिए ये है, मैंने बनाया हुआ है। इसका पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस फाइल को। तो यहाँ पर वाउचर क्लास है, देखिए मैंने इस क्वेश्चन को बनाया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर हो रहा है कि 5 नवंबर 2020 को परचेज द फ्लोइंग स्टॉक आइटम फ्रॉम इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स विद द इनवॉइस नंबर इतना इतना। तो इसमें कोई भी क्लास का बात नहीं हुआ है, यानी कौन सा वाउचर क्लास होगा इसमें कोई भी नहीं दिया गया है। क्लास का काम यहाँ से शुरू है, देखिए इस क्वेश्चन से। तो मैंने इस क्वेश्चन को सिर्फ इसलिए दिया हुआ है कि जो मेरा स्टॉक माइनस में ना हो, इसलिए मैंने परचेज कर लिया है 100 पीस, कि जो परचेज कर सेल करते समय मेरा स्टॉक माइनस में ना शो करे, इसके लिए। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। तो जैसा कि यहाँ पर परचेज कर रहा है फ्लोइंग गुड्स, तो गुड्स यहाँ पर दिया हुआ है LG स्मार्ट TV और LG TV 55 इंच, और एक परचेज का लेजर बना लेंगे क्योंकि परचेज हो रहा है, और जिससे परचेज हो रहा है उसका एक लेजर बना लेंगे इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलेंगे हम लोग सबसे पहले टैली पर। ये हम टैली पर आ गए हैं और देखिए इस पर एक भी क्वेश्चन बना हुआ नहीं है, जैसे कि यहाँ पर शो कर रहा है, आपको देख सकते हैं यहाँ पर डेट ऑफ लास्ट एंट्री, नो वाउचर एंट्री लिख रहा है यहाँ पर, आप देखिए शो कर रहा है। तो इसमें एक भी एंट्री नहीं है पहले से। तो सबसे पहले हम लोग लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के लिए अकाउंट इन्फो में चलेंगे और लेजर क्रिएट और एक परचेज का लेजर हम लोग बना लेंगे। और परचेज का जैसा कि ग्रुप होता है परचेज अकाउंट, तो यहाँ से हम लोग परचेज अकाउंट ले लेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद एक पार्टी का लेजर, जैसे इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स का हम लोग लेजर बना लेंगे। उसके बाद जैसा कि परचेज कर रहा है तो इसका ग्रुप हो जाएगा सेंड्री क्रेडिटर्स, तो यहाँ से सेंड्री क्रेडिटर्स ले लेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस ऑप्शन को आपको हमेशा यस रखना है पार्टी नेम में, मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल यस रहना चाहिए। इसको यस करके आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद लेजर बन गया। अब क्वेश्चन पे चलेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन शो कर रहा है आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लेजर बन गया है। अब आइटम बनाएंगे LG स्मार्ट TV और LG TV 55 इंच। तो चलते हैं यहाँ पर आइटम बनाने के लिए, इन्वेंटरी इन्फो स्टॉक आइटम क्रिएट, तो यहाँ पर लिख लेते हैं LG स्मार्ट TV और यहाँ पर ग्रुप ले लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि अंडर इसका इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, क्योंकि जो TV होता है इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है, तो इसलिए इसका हम लोग ले लेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अल्ट सी करिएगा यहाँ पर, तो डायरेक्टली हमारा स्टॉक ग्रुप बन जाएगा अल्ट सी। और इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा। उसके बाद यूनिट पूछ रहा है, तो यूनिट हमारा PCS हो जाएगा, तो अल्ट सी कीजिएगा यहाँ भी PCS बनाने के लिए, अल्ट सी और यहाँ पर PCS और एक्सेप्ट कर दीजिएगा और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। उसी तरह दूसरा आइटम देखिए, यहाँ पर LG TV 55 इंच, देखिए PCS यहाँ पर यूनिट दिया हुआ है, इसलिए हम लोग PCS ले लिए हैं। इसमें भी PCS है, तो इसमें भी PCS लेंगे, LG TV 55 इंच, तो यहाँ पर लिख लेते हैं LG TV 55 इंच। इंटर करते हुए, ये भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ है, तो यहाँ पर ले लेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटर करके यहाँ पर PCS ले लेंगे। सॉरी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मीनिंग गलती हो गया है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पर PCS ले लेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। बन जाने के बाद अब डायरेक्टली हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में चलेंगे यहाँ पर एंट्री करने के लिए और F9 करेंगे, क्योंकि परचेज हो रहा है। देखिए जैसे यहाँ पर परचेज शो कर रहा है, तो परचेज में एंट्री मारेंगे, F9 कर लिए, तो परचेज आ गया यहाँ पर। इंटर करके पार्टी नेम, तो पार्टी नेम हमारा इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेंगे यहाँ पर,
उसके बाद परचेज करें तो एक परचेज का लेजर, यहाँ पर देखिए पूछ रहा है परचेज लेजर, तो यहाँ परचेज का लेजर ले लेंगे। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम में जैसे कि LG स्मार्ट टीवी है पहले, यहाँ से ले लेंगे। और क्वांटिटी पूछ रहा है तो क्वांटिटी मेरा 100 है, देखिए यहाँ पर शो कर रहा है क्वांटिटी, और रेट हमारा 19,000 रुपये है, तो 100 ले लेंगे। 19,000। उसके बाद दूसरा आइटम है LG टीवी 55 इंच, इसका क्वांटिटी देख लेते हैं, तो ये भी हमारा 100 पीस है और रेट 35,500। तो यहाँ पर हम लोग 100 और 35,500 ले लेंगे यहाँ पर। उसके बाद इंटर करके एक्सेप्ट कीजिएगा। यहाँ पर एक चीज़, रेफरेंस नहीं खुला, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन में देखिए जो ये इनवॉइस नंबर है इसको डालना है, तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं मांगा, तो इसके लिए यहीं पर F12 कीजिएगा, यानी F12। और आइएगा यहाँ, और यहाँ ऑप्शन आपको एक दिख रहा होगा, यूज डिफ़ॉल्ट फॉर बिलो लोकेशन, यूज डिफ़ॉल्ट फॉर बिलो लोकेशन, इसको आपको नो कर देना है। देखिए ये पहले से यस है, इसको नो करना है, और इंटर करके आगे बढ़ जाइएगा, फिर से आगे बढ़ते जाइएगा इंटर करते हुए। देखिए न्यू रेफरेंस खुल गया। तो जैसा कि कोई भी चीज़ परचेज हो रहा हो, जैसे क्रेडिट परचेज होता है, जैसे उधार परचेज हम लोग करते हैं, तो उसमें न्यू रेफरेंस ही लेते हैं, तो यहाँ से न्यू रेफरेंस ले लेंगे। नेम पूछ रहा है, तो नेम में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है IE/01, तो यहाँ पर IE/01 ले लेंगे। उसके बाद क्रेडिट डे पूछ रहा है कितने दिन के लिए उधार है, तो कोई जिक्र नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए कुछ नहीं डालेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद बैक कर लेते हैं। अब मेरा आइटम तो पहले से बन चुका है, इसमें बना लिए हैं, तो अब दोबारा हमको बनाना नहीं है। और जो मेन काम है हमारा वाउचर क्लास का, अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि वाउचर क्लास बनेगा कैसे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कंपनी 10 नवंबर 2020 में LG कंपनी है, जो कि सोल्ड कर रहा है द फॉलोइंग गुड्स टू एडोब PC को, यानी जो LG कंपनी है वो सेल कर रहा है किसको, एडोब PC को। तो एडोब PC का हम लोग एक लेजर बना लेंगे और एक सेल का लेजर बना लेंगे। और बाकी यहाँ पर देखिए इनवॉइस नंबर यहाँ पर दिया हुआ है PC001, और यहाँ पर क्रेडिट पीरियड 10 दिन के लिए उधार भी है। चलिए इतना हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले एक सेल का लेजर बनाते हैं और एक एडोब PC का। लेजर बनाने के लिए अकाउंट इन्फो, लेजर क्रिएट, और यहाँ पर ले लेंगे एडोब PC, और सेल कर रहे हैं तो सेंडरी डेटर्स हो जाएगा। इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देंगे। और इस चीज़ का यहाँ भी ध्यान रखिएगा, देखिए पार्टी नेम में इसको यस रखना है हमेशा। उसके बाद एक्सेप्ट कीजिएगा और एक सेल का लेजर बना लीजिएगा, और सेल का ग्रुप सेल अकाउंट होता है, तो यहाँ से हम लोग सेल अकाउंट ले लेंगे, और इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ तक हो गया, बन गया है। बन जाने के बाद यहाँ पर देखिए लिख रहा है कि एंड क्रिएट वाउचर क्लास दिवाली ऑफ़र डिस्काउंट अलाउ, यानी हम लोग दिवाली ऑफ़र का हम लोग एक दे रहे हैं, क्या कहते हैं, वाउचर क्लास बनाना है, यानी दिवाली में हम लोग 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसके तहत हम लोग को एक वाउचर क्लास बनाना है। तो चलिए वाउचर क्लास बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ पर अकाउंट इन्फो में जाइएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अकाउंट इन्फो, और यहाँ पर देखिए वाउचर क्लास शो कर रहा है, यहाँ पर वाउचर क्लास यहाँ देखिए शो कर रहा है। उसके बाद इंटर कीजिएगा और अल्टर में चले जाइएगा, अल्टर देखिए यहाँ पर अल्टर शो कर रहा है, अल्टर में आपको आ जाना है। और यहाँ से हमको देखिए इन जो भी वाउचर यहाँ पर शो कर रहा है, इन सब पे हम लोग वाउचर क्लास बना सकते हैं, तो हमको इसमें सेल पे बनाना है, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर सेल हो रहा है, तो हमको सेल पे ही वाउचर क्लास क्रिएट करना है। तो यहाँ से हम लोग सेल का लेजर ले लेंगे, सॉरी सेल वाउचर ले लेंगे, यहाँ पर देखिए शो कर रहा है सेल वाउचर। इंटर करते हैं, और इंटर करते हुए आगे बढ़ जाइएगा, इधर कुछ भी नहीं छेड़छाड़ करना है, यहाँ आइए इस साइड, देखिए यहाँ पर
नेम ऑफ क्लास दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको लिखना है दिवाली ऑफर, दिवाली ऑफर इंटर कीजिएगा। अब यहाँ पर पूछेगा इंक्लूड द दिस ग्रुप, तो यहाँ पर आपको एंड ऑफ लिस्ट लेना है और इस तरफ आपको सेंडरी डेटर्स लेना है। सेंडरी डेटर्स इसलिए लेंगे क्योंकि जो भी हम लोग सेल करें वो सिर्फ सेल का ही पार्टी का नाम वहाँ शो करेगा। अगर यहाँ सेंडरी डेटर्स ले लेंगे तो जब भी हम इस भाउचर में बनाएंगे, इस भाउचर क्लास में, तो हमारा सेल का ही सिर्फ पार्टी शो करेगा, परचेज का नहीं शो करेगा, तो इसलिए हम लोग सेंडरी डेटर्स लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स अगर ले लीजिएगा तो ओनली क्रेडिट परचेज वाला पार्टी नेम शो करेगा, यानी जिसके अंदर क्रेडिटर्स रहेगा वो। और जैसे ये सब बैंक के लिए है, तो बैंक वाला अगर लीजिएगा तो बैंक का ही सिर्फ लेजर शो करेगा, तो इसलिए हमको यहाँ पर लेना है क्या, सेंडरी डेटर्स। उसके बाद इंटर कीजिएगा और यहाँ लेजर नेम पूछ रहा है, तो सेल कर रहे हैं तो सेल का ले लेंगे लेजर। देखिए यहाँ शो भी कर रहा है सेल लेजर, तो इंटर कर लीजिएगा इसको। और इधर कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ एक और लेजर पूछ रहा है एडिशनल, देखिए एडिशनल अकाउंटिंग एंट्री, तो यहाँ पर एडिशनल में आपको देखिए ये डालना है डिस्काउंट, यानी हम भाउचर क्लास में अगर दिवाली ऑफर दें तो उस वक्त हमारा डिस्काउंट हो 5%, तो एक डिस्काउंट का लेजर बना लेंगे। तो यहीं से डायरेक्ट अल्ट सी कीजिएगा, अगर पहले से बना हुआ है तो ठीक है मिल जाएगा, और नहीं बना हुआ है तो अल्ट सी करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर पहले से लेजर एक सेल का ही शो कर रहा है, डिस्काउंट का नहीं शो कर रहा है, तो अल्ट सी करके यहाँ पर बना लीजिएगा। डिस्काउंट अलाउ, और डिस्काउंट अलाउ जैसे है कि मेरे लिए खर्च है, क्योंकि हम अगर पार्टी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो मेरे लिए तो एक्सपेंस हुआ, तो इसलिए हम लोग इसका ग्रुप ले लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेने के बाद एक्सेप्ट कर दीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन खुला है, तो इसमें आपको लेना है ऑन टोटल सेल, यानी जो भी हमारा टोटल सेल पर ही डिस्काउंट हो, यानी जितना का हम गुड्स लें उस पर जो टोटल सेल है उस वैल्यू पे हमको डिस्काउंट मिले, तो ऑन टोटल सेल सिलेक्ट कर लीजिएगा इसमें। और यहाँ पर बेस वैल्यू पूछ रहा है, यानी बेस वैल्यू कितना, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह दीजिएगा और 5%, यानी हमको 5% डिस्काउंट देना है, माइनस में देना है, तो माइनस का चिन्ह हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह देना है, तभी जाके माइनस में होगा, नहीं तो ये प्लस कर लेगा, तो इसलिए यहाँ पर 5% माइनस में कर दीजिएगा। और यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल रहने दीजिएगा, या आप ज़्यादा हो सके तो नॉर्मल राउंडिंग भी ले सकते हैं, खैर इससे मतलब नहीं है, नॉट अप्लीकेबल छोड़ दीजिए और यहाँ यस और एक्सेप्ट कर दीजिए इंटर करके, ये आपका क्लास बन गया। उसके बाद जैसे कि लेजर भी बन चुका है और ये हमारा एडोब का बन चुका है, आइटम पहले से यहाँ बना हुआ है क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में था, तो चलते हैं इंटर करने, अकाउंटिंग वाउचर में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर F8 करेंगे क्योंकि सेल वाउचर में एंट्री हो रहा है, तो F8 प्रेस कीजिएगा, F8। तो जैसे ही F8 प्रेस किए तो यहाँ पूछ रहा है कि क्लास लेना है या नहीं, तो यहाँ पर शो करा है नॉट अप्लीकेबल और यहाँ पर दिवाली ऑफर, तो हमको क्लास लेना है। तो जैसे ही क्लास लीजिएगा अगर, तो देखिए एक बिना क्लास के हम बता रहे हैं, जैसे नॉट अप्लीकेबल ले लीजिएगा यानी क्लास नहीं लीजिएगा, तो सिंपल इस तरह शो कर रहा है, कुछ भी इफेक्टेड नहीं है, बस यहाँ पर सेल वाउचर शो कर रहा है। लेकिन अगर F8 प्रेस करके और यहाँ पर अगर क्लास ले लीजिएगा और इंटर करेंगे क्लास सेलेक्ट करके, तो देखिए यहाँ पर एक डिस्काउंट का पहले से लेजर आ गया ऑटोमेटिक। यही फ़ायदा है वाउचर क्लास बनाने से। आप देखिए कैसे कैसे यहाँ पर एडोब PC यानी जो डेप्टर्स का नाम है वही शो कर रहा है, और ले लेंगे यहाँ पर एडोब PC पार्टी नेम। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, तो आइटम में जैसे कि यहाँ पर है LG TV 20 पीस है और रेट 21,000 है, LG स्मार्ट TV है और 20 पीस और रेट 21,000, तो LG बना हुआ है यहाँ पर ले लेंगे, और यहाँ पर 20 पीस और यहाँ पर रेट 21,000। और जैसे इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर 21,000 माइनस हो गया क्योंकि उसका 5% ये काट लिया और यहाँ पर माइनस में शो कर दिया। इंटर करेंगे और उसी तरह दूसरा आइटम लेंगे, दूसरा आइटम क्या है LG TV है, ले लेते हैं और इसका क्वांटिटी चेक कर लेते हैं, तो इसका क्वांटिटी आपका 30 पीस है और 39,500 रुपये रेट है, तो यहाँ पर 30 पीस और 39,500 रुपये है ले लेंगे। और जैसे इंटर करेंगे तो देखिए इस पर भी अमाउंट करके यहाँ पर माइनस कर दिया, यानी देखिए टोटल सेल आपका 16,05,000 का हुआ है
और उसमें 80,000 माइनस हो गया और आपका यहाँ पर 15,24,700 शो कर रहा है। देखिए मैं हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ, जैसे टोटल सेल आपका ये हो गया और माइनस अमाउंट ये हो गया डिस्काउंट जो मिला, और आपका टोटल वैल्यू ये हो गया, देखिए यहाँ शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग डिस्काउंट दे सकते हैं, यानी ये ऑफ़र के तहत हो गया। तो इसलिए हम लोग इस तरह का अगर क्लास बना लेंगे तो हमको आसानी होगा, कोई भी चीज़ परचेज और सेल करने में आसानी हो सकता है। तो ये क्लास किसी पे भी बन सकता है। और न्यू रेफरेंस यहाँ लेंगे और यहाँ पर नेम में, यहाँ पर देखिए नेम में दिया हुआ इनवॉइस नंबर, यहाँ पर PC001 और क्रेडिट पीरियड 10 दिन। तो यहाँ पर PC/001 ले लेंगे और यहाँ पर क्रेडिट डेज 10 दिन ले लेंगे। अब हमको 11 तारीख को, लेकिन हम लोग क्वेश्चन का डेट चेंज नहीं किए हैं, तो यहाँ पर हम F2 करके क्वेश्चन का डेट डाल देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल शो कर रहा है, 1 अप्रैल शो कर रहा है, और मेरा क्वेश्चन था 10 नवंबर में। तो यहाँ पर हम F2 कर देते हैं, F2, और यहाँ पर 10 और नवंबर 11वां महीना होता है तो 11 डाल लेते हैं और इंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर शो करने लगा 10 नवंबर। अब इंटर करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 10 तारीख को दिए, तो यहाँ पर कह रहा है ना 20 तारीख को पे करना है आपको पैसा। चलिए इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये आपका वाउचर क्लास बन गया। और इससे बनाने से यही फ़ायदा है कि अगर हम लोग क्लास बना ले तो कोई भी हम लोग काम कर रहे हैं ऑफिस में, तो अगर पार्टनर चेंज भी होता है, जैसे मान लीजिए एक सीटिंग से दूसरा सीटिंग में कोई अगर व्यक्ति आता है तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो क्लास लेगा तो ऑटोमेटिक ये सारा काम हो जाएगा। जैसे अलग नाइट शिफ्ट होता है, डे शिफ्ट होता है, अगर मॉल लेट तक चल रहा है, बिलिंग जहाँ भी हम लोग कर रहे हैं, तो अगर क्लास बना ले तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए आप काम करके गए, दूसरा भी आया अगर उस सिस्टम पे काम करने के लिए, तो सिर्फ क्लास लेगा तो ऑटोमेटिक जो भी हमारा सेटिंग है वो पहले से एक्टिवेट है और ये ऑटोमेटिक शो कर देगा। तो यही फ़ायदा है वाउचर क्लास बनाने से। और भी आगे दिखाता हूँ मैं कुछ बिना वाउचर क्लास के भी, ये भी देख लीजिए आप लोग, और एक्सेप्ट करते हैं और बैक कर लेते हैं। अब आगे एक क्वेश्चन है, इस पर आते हैं। देखिए 12 तारीख को सोल्ड कर रहा है, 12 नवंबर को सोल्ड 50 पीस LG TV 21 इंच वाला, यानी 21 इंच वाला जो है ये 50 नोस सेल हो रहा है, कितना 2850 रुपये में ही, यानी इसको सस्ता सेल किया जा रहा है टू DK कंप्यूटर से। तो इसमें एक सिर्फ DK कंप्यूटर का लेजर बनाना है, बाकी बना हुआ है सब, LG TV भी बना हुआ है और यहाँ पर सेल का लेजर भी बना हुआ है, और इसमें क्लास का कोई बात नहीं है कि क्लास लेना है या नहीं लेना है। तो इसको देखते हैं बिना क्लास को बनाकर। तो सिंपल एक लेजर बना लीजिएगा। चलिए मैं डायरेक्ट ही लेजर बना के आपको दिखा देता हूँ। अकाउंटिंग वाउचर में चलेंगे और F8 लेंगे यहाँ पर, देखिए क्योंकि पहले से यहाँ पर वाउचर क्लास शो कर रहा है, यहाँ पर शो कर रहा है दीपावली ऑफ़र, देखिए यहाँ पर वाउचर क्लास शो कर रहा है दीपावली ऑफ़र का, और जो इसमें हम लोग सेटिंग किए थे ये भी शो कर रहा है डिस्काउंट का। तो ये सब हमको नहीं चाहिए क्योंकि इसमें वाउचर क्लास तो है नहीं। तो F8 प्रेस कीजिएगा फिर से और यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल ले लीजिएगा, और जैसे नॉट अप्लीकेबल लीजिएगा तो देखिए ये पहले जैसा हो गया नॉर्मल। उसके बाद यहाँ पर पार्टी नेम पूछ रहा है, तो पार्टी नेम जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ था DK कंप्यूटर, देखिए यहाँ पर DK कंप्यूटर दिया हुआ है, तो इसमें तो शो नहीं कर रहा है, तो Alt C करके लेजर बना लेते हैं यहीं से। Alt C, DK कंप्यूटर लिख लेंगे, और उसके बाद सेल कर रहा है तो सेंडरी डेटर्स हो जाएगा, और इंटर करके यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसको यस रखना है, मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल, देखिए इस ऑप्शन को यस रखा जाता है हमेशा। उसके बाद इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा। इंटर करते हुए आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिए सेल लेजर पूछ रहा है, तो सेल का लेजर ले लीजिएगा, यहाँ पर शो कर रहा है, और नेम ऑफ आइटम, तो आइटम में जैसे कि यहाँ पर शो कर रहा था LG TV, और रेट कितना है, क्वांटिटी है 50 और रेट है 2850। तो LG TV ले लेते हैं यहाँ पर, और 50 क्वांटिटी है और रेट हमारा 2850।
इंटर करते हैं। देखिए इसमें कोई डिस्काउंट का लफड़ा नहीं है और ना ही समझिए कि कोई भी हमारा वाउचर क्लास से कोई मतलब नहीं है, ये नॉर्मल सेल का एंट्री हो गया। नियर रेफरेंस ले लेंगे, नेम में अगर इनवॉइस नंबर दिया है तो डाल देंगे, नहीं दिया है तो यहाँ पर डाल लेते हैं डी के सी पार्टी का शॉर्ट नेम, डी के कंप्यूटर, क्रेडिट नहीं है तो छोड़ देंगे। और ये सिंपल एंट्री है सेल का, और जो पिछला एंट्री था वो हमारा वाउचर क्लास में एंट्री था, तो वो मेरा एक सेल का एंट्री था। अब मैं एक आपको पेमेंट का एंट्री बताऊंगा, कि पेमेंट हम लोग कैसे करते हैं वाउचर क्लास के थ्रू, तो देखते हैं इस पर भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। देखिएगा वीडियो को लास्ट तक। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सॉरी रिसिप्ट का एंट्री है, यानी रिसिप्ट क्रिएट वाउचर क्लास बैंक का, यानी एक रिसिप्ट का वाउचर क्लास क्रिएट करना है वो बैंक अकाउंट के नाम से। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे ये क्रिएट होगा। पहले वाउचर क्लास पेमेंट रिसिप्ट में तो चलेंगे वहीं पर अकाउंट इन्फो वाउचर टाइप, चले जाएंगे यहाँ पर वाउचर टाइप में अल्टर, और यहाँ पर रिसिप्ट ले लेंगे। यहाँ पर हम लोग रिसिप्ट का वाउचर ले लेंगे यहाँ से, देखिए शो कर रहा है, इंटर कीजिएगा और इंटर करते हुए इधर आइएगा इस साइड, और नेम ऑफ़ क्लास यहाँ पर शो कर रहा है आपको, यहाँ पर नेम ऑफ़ क्लास, तो इसमें आपको लिख लेना है बैंक अकाउंट, क्योंकि नेम ऑफ़ क्लास क्या है बैंक अकाउंट से करना है। इंटर कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग एक्सक्लूसिव ग्रुप में आप बैंक अकाउंट ले लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि हमको बैंक से ही क्या करना है पे करना है। रिसिप्ट का है तो रिसिप्ट में जो भी हम लोग एंट्री मारते हैं तो बैंक से ही होता है, क्योंकि मान लीजिए अगर किसी से पैसा रिसिप्ट करें या दे रहे हैं तो बैंक से ही लेंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर बैंक अकाउंट ले लेंगे और इसी ग्रुप में लेना है, यहाँ पर ध्यान रखना है फर्स्ट में ही। और एंड ऑफ लिस्ट इधर कुछ मत डालिएगा, और यहाँ पर आइए लेजर, तो लेजर पूछ रहा है यहाँ पर कैश, तो हमको कैश से नहीं करना है, बैंक अकाउंट का है तो बैंक से ही लेंगे, तो एक अल्ट सी करके लेजर बना लीजिए यहाँ पर, पहले अल्ट सी, और कैनरा बैंक का मैंने बना लिया और इसका ग्रुप डाल दिया बैंक अकाउंट, यहाँ से बैंक अकाउंट ले लेंगे, बैंक का ग्रुप बैंक ही होता है इसलिए कैनरा बैंक का। और मैंने कैनरा बैंक क्यों लिया है ये भी बता दे रहा हूँ मैं, पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं है? और एक्सेप्ट, उसके बाद देखिए मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रिसिप्ट वाउचर बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट का रिसिप्ट का जो मैंने क्लास बनाया है इससे फ़ायदा यही है कि जब भी आप अगर किसी से बैंक से पैसा रिसीव करना होगा तो आप डायरेक्ट अगर क्लास लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका बैंक आ जाएगा, आपको डालना नहीं पड़ेगा, ये फ़ायदा है। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे। और कैनरा बैंक मैंने इसलिए लिया क्योंकि देखिए यहाँ पर कैनरा बैंक के थ्रू रिसीव हो रहा था पैसा, तो पहले मैं आपको वाउचर दिखा दे रहा हूँ कैसे एडजस्ट होगा। यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में जाइएगा और F6 कीजिएगा, क्योंकि रिसीव करें तो रिसीव का F6 होता है शॉर्टकट की, ले लेंगे। और यहाँ पर पूछ रहा है कि बैंक अकाउंट, तो जैसे ही यहाँ पर बैंक अकाउंट लीजिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ से, देखिए यहाँ पर बैंक शो कर रहा है, लीजिएगा तो देखिए यहाँ पर अकाउंट में आपका कैनरा बैंक डिफ़ॉल्ट आ गया, यानी अब बस आपको पार्टी का नाम डालना है और अमाउंट रिसीव कर लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यानी अगर किसी से पैसा रिसीव हो रहा है बैंक के थ्रू तो बस बैंक का वाउचर क्लास लीजिए और ऑटोमेटिक यहाँ पर रिसीव कर लीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ रिसीव करके भी, जैसे देखिए यहाँ पर आपका अकाउंट में कैनरा बैंक आ गया और यहाँ पर क्लास में वाउचर क्लास में बैंक अकाउंट भी शो कर रहा है। तो बस यहाँ पर आपको सिर्फ पार्टी नेम लेना है, देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ पार्टी नेम लेना है। तो जैसे कि अब क्वेश्चन पे चलते हैं, जैसे कंपनी रिसीव फुल अमाउंट ऑफ प्रीवियस सेल इनवॉइस नंबर PC001, यानी कंपनी रिसीव कर रहा है फुल अमाउंट रिसीव कर रहा है, LG कंपनी रिसीव कर रहा है फुल अमाउंट किसका, ऑफ प्रीवियस सेल का, यानी पिछला सेल का जो पहले हम लोग सेल किए हैं उसका, और जिसका इनवॉइस नंबर क्या है PC001। तो देखिए यहाँ पर PC001 है, ये हमारा सेल हुआ था जो ये चीज़ है, तो इसी का फुल पैसा रिसीव कर रहा है। तो चलते हैं कैसे रिसीव होगा, तो इसका एक लेजर बना ही हुआ है मेरा एडोब ट्यूटोरियल का, क्योंकि पहले से बना चुके हैं, इससे रिसीव कर रहे थे, और बाई कैनरा बैंक, ये भी ध्यान रखिएगा कि इस ये बिल नंबर है, ये आपका देखिए PC/001 बिल नंबर है, और यही बिल नंबर का हम लोग पैसा रिसीव कर रहे हैं किससे, एडोब पीसी से, और किसके थ्रू, तो बाई कैनरा बैंक के थ्रू। तो आपको सिंपल यहाँ पर एडोब ले लेना है, एडोब पीसी,
देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, और इंटर कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर अमाउंट शो कर देगा आपको। यहाँ ध्यान दीजिए तो देखिए क्लियर बैलेंस शो कर रहा है यहाँ पर 15,24,750 रुपये यहाँ पर शो कर रहा है। डायरेक्ट यही अमाउंट आपको यहाँ पर इनपुट कर देना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इनपुट कर देना है ये वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग डाल लेते हैं 15,24,750 और इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर खुल गया रेफरेंस। तो इसमें हमको अगेंस्ट रेफरेंस लेना है। अगेंस्ट इसलिए लेना है क्योंकि जब पहले का बिल होता है उसको पे किया जाता है तो हम लोग अगेंस्ट रेफरेंस ही लेते हैं। तो जैसे ही अगेंस्ट लेंगे तो देखिए यहाँ पर बिल नंबर शो कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए PC001 शो कर रहा है और 10 नवंबर का है तो 10 नवंबर यहाँ भी शो करेगा। देखिए यहाँ पर PC001 और यहाँ पर 10 नवंबर का शो कर रहा है और यहाँ पर अमाउंट 15,24,750 का शो कर रहा है। बस इसको सेलेक्ट कर लेना है और इंटर कीजिएगा तो ऑटोमेटिक सारा आ गया। बस इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए, एक्सेप्ट, ये आपका वाउचर क्लास क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से वाउचर क्लास का पर हम लोग काम करते हैं। बाकी यहाँ पर जो भी वाउचर क्लास बनाना हो सब पे वाउचर क्लास बनेगा, इसी प्रकार से बनेगा। तो ये हमारा फाइनल हो गया वाउचर क्लास। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कृपया अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।